वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने मेजबान गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी। मैच 24 ओवर में टीम ने 181 रनों पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर वेस्टइंडीज को 365 रनों का लक्ष्य दिया। टीम इंडिया के लिए इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन चमके। किशन को दूसरी पारी में विराट की जगह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का सुनहरा मौका मिला और इस बल्लेबाज ने इसका भरपूर फायदा उठाया। दूसरी पारी में ईशान ने महज 34 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 52 रनों की नाबाद पारी खेली। मगर क्या आप जानते हैं कि ईशान किशन को नंबर 4 पर भेजने का फैसला कप्तान रोहित शर्मा का नहीं था। जी हाँ, चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद ईशान ने खुद इस बात का खुलासा किया। ईशान ने चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद अपनी पारी और नंबर 4 पर भेजे जाने के फैसले पर कहा, वाकई खास था। मैं जानता था कि टीम को मुझसे क्या चाहिए। सभी ने मेरा समर्थन किया, विराट ने मेरा समर्थन किया और मुझसे कहा कि जाओ और अपना खेल खेलो। उम्मीद करते हैं कि हम कल खेल समाप्त कर दें। ये विराट भाई थे जिन्होंने पहल की और कहा मुझे अंदर जाना चाहिए। वहाँ एक बाएं हाथ का गेंदबाज था जो गेंदबाजी कर रहा था। ये टीम के लिए एक अच्छा कॉल था। कभी कभी आपको ये कॉल लेने की आवश्यकता होती। इसके अलावा ईशान किशन ने टीम के प्लान के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारी योजना थी कि हम बारिश के ब्रेक के बाद 10-12 ओवर खेलेंगे और 70-80 रन बनाएंगे। हम 370-380 का लक्ष्य चाहते थे। बात मुकाबले की करें तो चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबानों ने 365 रनों का पीछा करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए। वेस्टइंडीज फिलहाल जीत से 289 रन दूर है, तो वहीं भारत को जीत के लिए 8 विकेट की दरकार है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।